अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपने गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करना है MBBS के लिए या BDS के लिए फॉर द सेशन 2021 एंड 22, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट की, जहाँ से हम लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। और इसकी जो लिंक है, ठीक है, कैसे आप ओपन कर सकते हो, वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब हमने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो सबसे पहले हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी होगी, ठीक है, इस वेबसाइट पे आके। अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करोगे, उसके बाद पासवर्ड एंटर करोगे तो आप लॉग इन हो जाओगे। लेकिन चूंकि हमारे पास हम फ्रेश फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो हमने करना क्या है, यहाँ पे आ जाना है रजिस्टर के ऊपर। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम अपना अकाउंट पहले क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर गॉट पासवर्ड आर रीसेंट पिन एंड पासवर्ड। अगर आपकी एक दफा आईडी बन चुकी है और अगर आपको उसका पासवर्ड भूल गया, तो आप यहाँ से पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हो। सो चले स्टार्ट करते वीडियो को कि हम कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्लिक करना है रजिस्टर के ऊपर, और जैसे ही हम रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि अपनी जो भी ईमेल आईडी होगी वो हम लोगों ने देनी है इस पे। और याद रखें कि ईमेल आईडी आपकी वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास एक कन्फर्मेशनल ईमेल आएगी। ऐसे ही हम लोगों ने ईमेल दे दी, ठीक है, और इसके बाद जो है तो हम पासवर्ड को सेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कोई पासवर्ड लिख देता हूँ, और इसी पासवर्ड को हम कंफर्म करेंगे अभी। तो पासवर्ड हम लोगों ने लिख लिया है, अब देखते हैं कि ये रजिस्टर्ड होता है कि नहीं। सो रजिस्टर्ड के ऊपर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, योर पिन हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। अब रजिस्ट्रेशन हमारी हो गई है, ठीक है, जो हमारे पास पिन कोड होगा वो हमें इन्होंने हमारी ईमेल आईडी के ऊपर सेंड कर दिया है। अभी जब मैंने अपनी ईमेल आईडी चेक की तो मेरे पास 4 डिजिट का एक पिन आ चुका है, ठीक है, मेरी ईमेल आईडी पे। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आना है लॉगिन के ऊपर, और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ये अब लॉगिन होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे हम दोबारा से अपनी ईमेल लिखेंगे और यहाँ पे जो हमने पासवर्ड दिया था, ट्राई करते हैं कि उससे आईडी ओपन होती है कि नहीं। और देखिए यहाँ पे अब वो पिन मांग रहा है, तो पिन हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है हमारी ईमेल आईडी पे, तो हम वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं। मेरे पास जो पिन आया है दैट इज 2701। अब ये सारा कुछ करने के बाद हम लोगों ने प्रेस करना है लॉगिन को। तो यहाँ पे हमारे पास देखें ये पासवर्ड वगैरह, अगर आपने सेव करना है तो सेव कर लें, अगर आप किसी नेट कैफे वगैरह से करते हैं तो आप यहाँ पे नेवर के ऊपर क्लिक करें। अगर आपके पास अपना लैपटॉप या मोबाइल फोन है तो आप इसको सेव कर लें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट एप्लीकेशन लिखा हुआ है, फिर कंप्लेंट लिखी हुई है, चेंज पासवर्ड और लॉग आउट के आपको नजर आएंगे डिफरेंट ऑप्शंस। यहाँ पे लिखा हुआ है इन प्रोग्रेस एप्लीकेशन 0। तो आपने करना क्या है कि एप्लीकेशन यहाँ पे आना स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर। स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट आपके पास क्या होगा वो आपके बिल्कुल सामने ही आएगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने जैसे लिखा तो हमारे पास यहाँ पे सीरियल नंबर आ गया, ठीक है, और उसके बाद एग्रीगेट परसेंटेज विथ MDCAT 0%, रीड दिस फर्स्ट, प्लीज गो थ्रू द प्रोस्पेक्टस बिफोर फिलिंग एडमिशन फॉर्म। जब आप लोगों ने एडमिशन फॉर्म फिल करना है तो उससे पहले आप लोगों ने प्रोस्पेक्टस लाजमी चेक कर लेना है। एन एप्लीकेंट कैन अप्लाई अगेंस्ट मोर देन वन कैटेगरी ऑफ सीट इफ ही शी फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है, ठीक है, अगर आप एप्लीकेंट है तो आप एक से ज्यादा कैटेगरी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप लोगों ने एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जो भी होंगी, जो प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखी हुई है वो आप लोगों ने फुलफिल करनी होगी। इन केस ऑफ एप्लीकेंट चूजन मोर देन वन कैटेगरी ऑफ सीट्स ही शी शैल हैव टू अपलोड एडिशनल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर दैट कैटेगरी ऑफ सीट इन एडिशन टू बेसिक
एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, अभी अगर आपके पास ऐसे कैंडिडेट हैं, ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जो एक से ज्यादा कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एक से ज्यादा कैटेगरी में वो अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको एडिशनल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, मतलब जो लाजमी डॉक्यूमेंट्स होंगे अपने, वो भी अपलोड करेंगे अलॉन्ग विद बेसिक एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स। जो जो सो जो स्टूडेंट एडिशनल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे ना, उनको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो वो आप लोगों ने लाजमी अपलोड करने हैं। एन एप्लीकेंट हु क्लेम्स टू हिफ्ज़े कुरान, ही मस्ट टेक द रेलेवेंट ऑप्शन एंड मस्ट अपलोड हिफ्ज़े कुरान सर्टिफिकेट। अच्छा, वैसे स्टूडेंट जो कि क्लेम करते हैं कि वो हिफ्ज़े कुरान है, तो आप लोगों ने यहाँ पे, आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ पे आप लोगों ने टिक लगाना है, टिक करना है, और इसके साथ साथ आपने हिफ्ज़े कुरान की जो भी सर्टिफिकेट है वो आप लोगों ने लाजमी अपलोड कर देनी है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट वन प्रोग्राम, टिक द रेलेवेंट रेलेवेंट बॉक्स। अब यहाँ पे आपने एमबीबीएस में अप्लाई करना है या बीडीएस में अप्लाई करना है, तो आपने उसको टिक कर देना है। अगर आप एमबीबीएस करते हैं या बीडीएस करते हैं, दोनों भी आप टिक कर सकते हैं, तो आपने इस तरह उसको टिक कर लेना है। उसके बाद आपके पास है पार्ट टू, कैटेगरी ऑफ सीट्स, टिक द रेलेवेंट बॉक्सेस। अच्छा, अब आपने कौन सी कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना है, ओपन मेरिट के अंदर करना है तो ओपन मेरिट सिलेक्ट करें, अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो आप वो सिलेक्ट करें, अंडर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट्स के हैं जो लिस्ट अलग से मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि अगर आप अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के हैं तो आप इसको टिक करें, चोलिस्तान के हैं तो आप ये वाला टिक करेंगे, ओवरसीज पाकिस्तानीज अगर हैं, मतलब आपके अगर डुअल नेशनैलिटी है या पाकिस्तान के बाहर रह रहे हैं, तो आपने इसको टिक करना होगा। और उसके बाद अगर रेसिप्रोकल पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने इसको टिक करना होगा। अब रेसिप्रोकल क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी अलग वीडियो में बता चुका हूं। यहां पे हम लोग लिख लेते हैं ओपन मैरिट, ठीक है। आपने जो आपकी मतलब जिस कैटेगरी के अंदर आप फॉल करते हो, जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो, आपने वही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके पास जो है दैट इज पार्ट थ्री, पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आएगी और यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आपका फॉर्म बे नंबर होगा या पासपोर्ट नंबर होगा, ठीक है, वो लाजमी मेंशन, जहां पे स्टेरिक लगा हुआ है इसका मतलब है कि आप लोगों ने इसको लाजमी जो है तो फिल करना होगा। अच्छा, इससे पहले ये चीज मिस कर गया हूँ, डू यू वॉन्ट टू अपियर इन हिफ्ज़े कुरान टेस्ट, इफ येस प्लीज टिक एंड अटैच हिफ्ज़े कुरान सर्टिफिकेट। अब आपने इसको टिक कर देना है और आप लोगों ने करना है क्या है कि हिफ्ज़े कुरान अगर आपने हिफ्ज किया हुआ तो उसका सर्टिफिकेट आप लोगों ने लाजमी जो है तो अपलोड करना होगा। तो इसको हम टिक नहीं करते क्योंकि मैंने हिफ्ज़ कुरान नहीं किया था। एनीवेज मैंने अप्लाई भी नहीं करना, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ है, हमारा फॉर्म बे या सी इसी नंबर है, तो हम इसको यहाँ पे फिल कर देते हैं 00 के साथ। अब नेम ऑफ एप्लीकेंट, आपका जो नाम है, ठीक है, अगर आपका नाम आमिर है तो आप आमिर लिखोगे, जो भी आपका नाम है आप लिख लें, मैं यहाँ पे आई एम केमिस्ट लिख देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे फादर का नाम आएगा, ठीक है, आपके जो भी अब्बू के जो नाम है वो आप यहाँ पे लिखें, इसी तरह आपकी मदर जो है उनका जो भी नाम है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है। और उसके बाद अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है कि आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, और उसके बाद नेशनैलिटी आपकी क्या है, क्या आप पाकिस्तानी हैं या कुछ और नेशनैलिटी है वो आप लोग लिख लें, और उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि अप्लाई करनी है, तो अगर ये नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगा। आपने सबसे पहले यहाँ पे डेट लिखना है, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट, और फिर लाइक मई है तो 05 लिख देंगे, और जो भी आपका बर्थ ईयर है लाइक 2000 है तो आप 2000 लिखें, 1998 है तो आप वो लिखें, जो भी आपका है आप वहाँ पे लिख सकते हैं, बल्कि यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी। अच्छा, उसके बाद आपने एरिया को सिलेक्ट करना है कि आप किसी रूरल एरिया से हैं या फिर अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एक शहरी इलाका और एक विलेजेस साइड जो होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अपना डोमिसाइल जिस डिस्ट्रिक्ट के आप हैं आपने वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अटक सिलेक्ट करता हूँ तो इसका मतलब मैं अटक का रहने वाला हूँ, मैं अटक यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा, और अगर मैं बहावलपुर का हूँ या जहां का भी हूँ तो मैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने वो लाजमी सिलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टैरिक लगा हुआ है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे मेलिंग एड्रेस लिखना है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड लिख देता हूँ, जो भी आपका एड्रेस है आप लोगों ने वो लाजमी यहाँ पे मेंशन करना है, जो आपका घर का एड्रेस है, ठीक है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस ना लिख देना। उसके बाद आपका जो टेलीफोन का नंबर है कोई है तो वो लिख दें, ठीक है, हम यहाँ पे 00 कर देते हैं। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर है,
और मोबाइल नंबर आप लोगों ने वैलिड देना है, ठीक है? ऐसा ना होना कि आप कोई गलत नंबर दे दें और आपको फिर वो कोड ही ना रिसीव हो सके। एनीवेज, ये आपका मोबाइल नंबर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं। हैव यू अपियर्ड इन एचएससी स्पेशल एग्जाम एंड अवेटिंग रिजल्ट। अगर आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है स्पेशल एग्जाम में, ठीक है, अगर आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे यस कर देना है। और अगर आप यस करेंगे तो आपके पास बाकी ऑप्शंस जो है वो क्लोज्ड हो जाएंगी। अब यहाँ पे इसको पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या चीजें हैं। एग्जामिनेशन पास्ट साइंस सब्जेक्ट्स। अच्छा, ये टेंथ के आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अगर आप साइंस के हैं तो आप यहाँ पे लिखे साइंस सब्जेक्ट्स लिखें, और उसके बाद आपने अपने इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे मेंशन करना है कि क्या वो पब्लिक सेक्टर से आप लोगों ने पढ़ा या किसी प्राइवेट कॉलेज से आप लोग पढ़े हुए, स्कूल से पढ़े, वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देना। उसके बाद जो भी आपका बोर्ड था या जिस यूनिवर्सिटी से, अगर आप मैट्रिक के हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी तो होगी नहीं, आप लोगों ने बोर्ड मेंशन करना है। जैसे आप कोई रावलपिंडी बोर्ड का है तो वो यहाँ पे क्या करेगा, लिख लेगा रावलपिंडी बोर्ड। अच्छा, अब यहाँ पे मैट्रिक हमने किया हुआ साइंस के साथ, हम साइंस लिख देंगे। और ईयर ऑफ पासिंग अगर हम लिखते हैं 2018 लिख लेते हैं। और उसके बाद आपके कितने मार्क्स आए थे, लाइक अगर आपके 900 मार्क्स आए तो आप वो लिखें, और टोटल मार्क्स कितने थे 1100 या 1050, जो भी आपके मार्क्स थे आप यहाँ पे लिख लोगे। अच्छा, उसके बाद एमडीकेट का रिजल्ट, आप 2020 के बेस पे अप्लाई कर रहे हो, 2021 के बेस पे अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आप 2021 पे अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपका रोल नंबर आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 वगैरह लिख लेते हैं। और उसके बाद आपका जो सेंटर था और आपके मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किए थे आप लोगों ने वो लिखना है। और एमडीकेट एप्लीकेंट का नाम वगैरह जो भी होगा, एमडीकेट एप्लीकेंट से इसी नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ये मेरे ख्याल से यहाँ पे इस तरह का रोल नंबर अगर आप एंटर करोगे तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपियर हो जाएगा। तो मेरे पास मेरा रोल नंबर है नहीं, इसलिए मैं इसको आगे नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, ये तो उसके लिए उन स्टूडेंट के लिए था जिन्होंने एचएससी स्पेशल एग्जाम दोबारा से दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको नो करते हैं तो नो का मतलब है कि हमारा रिजल्ट आ चुका हुआ है, हम कोई इम्प्रूवमेंट या दोबारा से टेस्ट वगैरह नहीं दे रहे। अब इनके लिए, इन स्टूडेंट के लिए कैसे होगा, यही दोबारा से साइंस फिर आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, पब्लिक प्राइवेट से पढ़ा, रावलपिंडी बोर्ड 2018 में आप लोगों ने मैट्रिक की। अच्छा, उस तरह आप लोगों ने प्री मेडिकल पढ़ी थी तो यहाँ पे आप लिखोगे प्री मेडिकल। अच्छा, अभी यहाँ पे आपके पास एफएससी इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट उनके लिए जो ए और ओ लेवल करते हैं, ठीक है, उनके लिए इस तरह होगा। अच्छा, यहाँ पे एफएससी लिखें, पंजाब पब्लिक सेक्टर से थे या प्राइवेट से थे तो आप ये लिखें यहाँ पे। और उसके बाद आपका बोर्ड कौन सा था, लाहौर बोर्ड है, तो आप यहाँ पे लिखें लाहौर बोर्ड। अच्छा, आप लोगों ने मैट्रिक का एफएससी कब की थी, सॉरी वो 2021 में की थी, तो आप 2021 लिखें यहाँ पे। मार्क्स आपके कितने थे वो आप यहाँ पे मेंशन करें, और उसके बाद आपके टोटल मार्क्स कितने थे वो आप यहाँ पे मेंशन करें। देन आपके केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए थे, लाइक हम लिख लेते हैं यहाँ पे 50, और टोटल मार्क्स कितने थे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 100। इसी तरह आपके साइंस में बायो आता है, उसमें कितने मार्क्स थे, हम यहाँ पे 50 लिख लेते हैं और यहाँ पे हम 100 लिख लेते हैं। फिजिक्स मैं बहुत अच्छा हूँ तो मैं यहाँ पे 85 लिखूंगा आउट ऑफ 100, ठीक है। तो वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेने हैं जो आपका रिजल्ट आया। इसको हम थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं क्योंकि ऐसा ना हो कि ये परसेंटेज ही कम हो जाए। एनीवेज, आप लोगों ने इस तरह जो आपके ओरिजिनल मार्क्स हैं आप लोगों ने इस तरह फिल कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है एमडीकेट का रिजल्ट, वही 2020-21 जो भी आपके पास है आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। यहां पे आपने करना क्या है, अपना रोल नंबर एंटर करें तो आपका ये डेटा जो है वो सारा के सारा आपके पास आ जाएगा। और उसके बाद आपने अपनी परसेंटेज जो है उसको कैलकुलेट करना है। ये आप करेंगे तो आपके पास जो भी आपका टोटल मेरिट है ना वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ये एरर दे रहा है, एमडीकेट सेंटर फ्रॉम वेयर अपीयर्ड इज मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन, एमडीकेट एप्लीकेंट नेम इज मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन एमडीकेट। अब देखिए ये जो चीज मेरे पास नहीं थी ना वो इन लोगों ने यहाँ पे एरर दे दिया कि ये चीज मैंडेटरी है। तो अब चूंकि मेरे पास किसी का रोल नंबर है नहीं तो यहां से मैं उसको ऑब्टेन नहीं कर पा रहा। अगर कोई स्टूडेंट मुझे रोल नंबर बता देगा तो मैं इससे आगे क्या होगा वो भी आपके साथ शेयर कर लूंगा।
तो ये तो था आपके पास सारी वीडियो कि आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपने करना क्या है कि इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आपने इसका प्रिंट लेना है, आपके पास चालान फॉर्म जनरेट होगी, उसको आप लोगों ने बैंक ऑफ पंजाब के अंदर 1000 रुपीज डिपॉजिट कराने होंगे। बाकी की जो जो डिटेल्स हैं, बाकी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो मैं ऑलरेडी अलग वीडियो के ऊपर बना चुका हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस नहीं भिजवाने हार्ड फॉर्म में, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने फी जमा करानी है उसका वाउचर, और वो जो आपके पास एडमिशन फॉर्म यहाँ से सिलेक्ट होगा वो जो है तो आप लोगों ने अपने पास संभाल के रखना है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे जब मैंने एक स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर किया, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनके मार्क्स हैं 69। 69 है तो इसका मतलब है कि ये स्टूडेंट जो है अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि इसके मार्क्स 137 से कम है। मिनिमम आपके 137 आउट ऑफ 200 मार्क्स होने चाहिए। आपका जो भी रोल नंबर आप लोगों ने यहाँ पे इंटर कर देना है, ठीक है, उसके बाद अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करें और उसके बाद उसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर प्रेस कर देना है। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट फॉर एडमिशन इन MBBS एज वेल एज BTS। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी इश्यू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। गुड लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।